नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। 24 का महासंग्राम नजदीक है। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हो जाएगी पहले चरण की और इसी बीच बीजेपी जो है वो अपनी चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। उत्तर की अगर हम राज्यों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का जनाधार खासा मजबूत है, लेकिन साथ ही साथ अगर थोड़ा दक्षिण की तरफ मुड़े तो बीजेपी का जो जनाधार है वो कमजोर नजर आता है। अब इसी बीच में ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, सर्वे सामने आ रहे हैं कि क्या कुछ पार्टी करेगी, कौन सी पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिल सकता है, कौन सी पार्टी किस राज्य में कहां बेहतर प्रदर्शन करेगी, इस सब के तमाम ओपिनियन पोल जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन बंगाल की बात करते हैं क्योंकि बंगाल में इन दिनों खासा विवाद बरपा है। पिछले कुछ महीनों से भ्रष्टाचार को लेकर के हो, संदेश खाली मामले को लेकर के हो या फिर सीएए को लेकर के हो, सीएए का सबसे ज्यादा समर्थन और सबसे ज्यादा विरोध भी बंगाल में जताया गया है। वो इसलिए क्योंकि मतुआ समुदाय को इसके बाद नागरिकता मिल जाएगी, कुछ को मिल रही है और टीएमसी जो है सीएए का विरोध भी कर रही है, इसके कई कारण हैं। अब ओपिनियन पोल के जरिए और राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि 2024 के चुनावों में बंगाल में ममता बनर्जी को करारा झटका लग सकता है, इतना करारा झटका कि वहां पर बीजेपी ममता से आगे निकल जाएगी। जी हाँ, ममता बनर्जी बीजेपी से पीछे रह जाएगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं और इसके पीछे कई आधार भी हैं। ये आधार थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे, विस्तार से समझते हैं, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि 2019 में बंगाल में क्या कुछ स्थिति बनी हुई थी। 2019 के चुनावों की अगर हम बात करें तो बंगाल में बीजेपी 18 सीटें मिली थी बीजेपी को और वहीं टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। 42 सीटें जो है बंगाल में हैं और यानी कि 40 सीटों पर इन दोनों पार्टियों का वर्चस्व रहा था। दो सीटें जो है वो अन्य पार्टियों को गई थी। 18 सीटें बीजेपी के हवाले और 22 सीटें, इन बीच में से 4 सीटों का अंतर है। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 40.7% वोट शेयर मिला था, वोट शेयर जो है बीजेपी का हुआ था, वहीं टीएमसी को 43.3% वोट मिले थे, यानी कि लगभग 3.6% का ही जो अंतर है वो 2019 के चुनावों में देखा गया था। इसके बाद से बीजेपी के कई सांसद जो है वो टीएमसी का दामन उन्होंने थाम लिया था। अब इस बीच में 2024 के आंकड़े क्या कहते हैं, आपको बता दें कि सबसे पहले तो जो 2024 में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो क्या है, वो कयास ये है कि बीजेपी को इस दौरान जो है वो 39-40% वोट शेयर रहेगा, लेकिन टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी का जो वोट शेयर है वो 36% आ जाएगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी जो है अकेले चुनाव लड़ रही है, यानी कि इंडी गठबंधन, और इंडी गठबंधन के साथ में मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो कांग्रेस और साथ ही साथ जो वाम मोर्चा है उनके साथ में भी बंगाल में टीएमसी की सीधी लड़ाई हो जाएगी। अगर ये सारी पार्टियां साथ होकर लड़ती तो संभवतः बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता था, और शायद अगर नुकसान ना भी होता तो कम से कम इंडी गठबंधन का वोट शेयर तो बढ़ ही जाता क्योंकि साथ मिलकर लड़ रहे थे। अब क्या नुकसान होगा, तो बंगाल में बीजेपी तो लड़ ही रही है लेकिन टीएमसी जो वहां की सत्ताधारी पार्टी है वो अकेले नहीं लड़ेगी। इसके बाद टीएमसी का जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस वाम मोर्चा, यानी कि बीजेपी के साथ तो मुकाबला है ही, साथ ही इंडी गठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं उनके साथ में भी सीधे तौर पर ही मुकाबला होगा। जो कि कुछ ना भी कर पाए तो कम से कम वोट शेयर तो घटाने में वोट शेयर तो जरूर घटेगा, और जो सीधे सीधे चोट पहुंचा सकता है ममता बनर्जी को, क्योंकि हाल फिलहाल में संदेश खाली मामला खासा सुर्खियों में रहा है। और इसके अलावा बीजेपी ने जब कोरोना काल के दौरान मुफ्त राशन वितरित किया था, इस दौरान मुफ्त की जो तमाम सेवाएं दी थी गरीब लोगों को, जिसमें कि खाना पीना भी दूभर हो गया था, पेट भरना भी मुश्किल हो गया था, इस दौरान अगर ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। इसके अलावा सीए बड़ा फैक्टर साबित होगा, वो इसलिए क्योंकि बंगाल में लगभग 30-40 लाख जो है वो मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं। जी हाँ, और इनका जो वर्चस्व है वो आपको बता दें कि कम से कम 10 लोकसभा सीटों पर इनका प्रभाव है, और वहीं 50 विधानसभा सीटों पर इनकी सीधा जो है वो एक तरीके से लड़ाई है, यानी कि 50 विधानसभा सीटों पर भी इनका असर है। और ऐसे में 10 लोकसभा सीटों पर अगर असर है और मतुआ समुदाय को जब नागरिकता मिल गई है तो जाहिर है कि वो वोट भी करेंगे, और अगर बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय वोट करता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, इसके अलावा किसी और पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आता है।
थोड़ा बहुत जो वोट शेयर जाएगा वो टीएमसी की तरफ जाएगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो वोट्स हैं यानी कि मेजोरिटी वोट्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ मुड़ेंगे, जिससे कि सीधा फायदा पार्टी को यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। उसमें से अगर 20 से 25 लाख वोट भी अगर बीजेपी को पड़ते हैं तो कम से कम 3 से 4 पार्टियों का 3 से 4 सीटों का बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इस दौरान जो है वो मतुआ समुदाय खासा अहम साबित हो सकता है बीजेपी को ज्यादा सीटें दिलाने में। और इसके अलावा जो संदेशखाली मामला है वो खासा सुर्खियों में रहा था, तो संदेशखाली का जो मामला है उसके चक्कर में भी टीएमसी का जो वोट शेयर है वो घट सकता है। इसके अलावा बीजेपी ने 370 का टारगेट रखा है, वहीं एनडीए यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन दल है उसने जो है वो 400 पार सीटों का आंकड़ा रखा हुआ है। तो बीजेपी ये जो दावे हैं वो यूं ही नहीं कर रही है, इसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। इसके लिए बीजेपी ने इसलिए फूक फूक कर कदम रख रही है क्योंकि आपने देखा कि विवादित जो चेहरे थे बीजेपी की पहली और दूसरी लिस्ट से वो हटाए गए। पहली लिस्ट में जब 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई तो 34 सांसदों के टिकट काट दिए गए थे। इनमें से ज़्यादातर सांसद या तो काम बहुत बेहतर नहीं कर रहे थे या तो फिर वो विवादित चेहरे थे, तो उनका टिकट कट गया है। इनकी जगह पर अच्छे साफ सुथरी छवि वाले जो चेहरे हैं उनको टिकट दिया गया है, और ये जो है बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि जो वोट प्रतिशत है वो टीएमसी का बेहद गिर सकता है और चौंकाने वाले परिणाम जो है वो आ सकते हैं। हालांकि कई राजनीतिक पंडित इस मामले में कहते हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन ओपिनियन पोल्स और साथ ही साथ हम बात करें टीएमसी के रणनीतिकार रहे 2000 विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने भी इसका दावा किया है कि बीजेपी टीएमसी से आगे निकल जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में यानी कि बंगाल के जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बंगाल में भी खेला होने जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस एनालिसिस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।